एंड टेक। हमने अभी एडिशन देखा कि हम कैरी करके कैसे करते हैं, अभी हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सब्ट्रैक्ट है, 5 माइनस 4 यहाँ पे लिखना है एंड 3 माइनस 2 यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, ये माइनस माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड प्लस प्लस हो तो एडिशन, ये आपको याद रखना है। और फिर ये भी पता है कि आपको लिखना कैसे है, ये भी आपको अच्छे से आ गया है। अभी हम सब्ट्रैक्ट सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम उसमें बोरो कैसे करते हैं। उसमें कैरी करना सीखा था, अब इसमें बोरो करना सीखेंगे। ओके, तो 5 माइनस 4 पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, सबको बताया हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे वाले नंबर से। तो 5 माइनस 4 कितने हो गए, ये हमारे पास 5 फिंगर है, उसमें से मैंने 4 फिंगर निकाल ली, 1 2 3 एंड 4 कितने बसे, 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। नेक्स्ट है 3 3 माइनस 2, मैंने 3 फिंगर ले ली, उसमें से 1 एंड 2 निकाल दी, मेरे पास ओनली 1 फिंगर रह गई, तो यहाँ रहेगा 1। 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 11 आंसर आता है हमारा। लेकिन इफ ऐसा हो कि ये वाला जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले से बड़ा हो, तो हम इसमें माइनस कैसे कर सकते हैं, 5 में से 4 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखा हो तो 4 में से 5 को माइनस हम नहीं कर सकते। देखो सेम यहाँ पे 24 माइनस 12, 4 में से 2, 4 माइनस 2 1 एंड 2 हमारे पास बचेंगे 2, तो यहाँ पे आएंगे 2 एंड 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है 23 माइनस 15, अब इसको कैसे काउंट करेंगे वो मैं सिखाती हूँ। उसमें हमने कैरी करके तो प्लस था तो उसमें 10 होता है या 10 से 2 नंबर का आंसर आता है हमारे पास, तो हम कैरी करके उस दूसरे पे हम रिमेम्बर के लिए लिखते थे। लेकिन इफ हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे 3 में से 5 को माइनस करना है तो हो पाएगा, नहीं। सबको पता है कि 5 3 से बड़ा है, 5 नंबर को 3 से बड़ा है, तो 5 को हम कैसे करेंगे, तो हम आगे वाले नंबर से बोरो करेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 में से 1 नंबर घटा देंगे, एक ले लेंगे, तो 2 में से 1 कम कर दिया तो हमारे पास हो गया 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और जो मैंने लिया बोरो किया 10 प्लस 3, तो यहाँ पे फिर 1 लिख के फिर ये पीछे वाला नंबर यहाँ पे लिख दूंगी और इसे हटा दूंगी। ओके, अगेन मैं सिखा रही हूँ कि 3 में से 5 नहीं जा रहे हैं तो आगे वाले से 1 बोरो करना है। यहाँ पे 2 होगा तो 1 करेंगे बोरो तो 1 रहेगा, लेकिन अगर 3 होंगे 1 बोरो किया तो हमें हमारे पास 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो यहाँ मैंने बोरो किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैंने बोरो करके 1 लिखा, लेकिन इसके पीछे वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको इसके पीछे लिख दिया, तो ये हो गया। तो भी 13 माइनस 5 करना है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हुए, 5 6 7 8 आंसर आ गया हमारा 8। ओके, और यहाँ पे 1 बचता है तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 0। सबसे पहले मेथड हमारी ये है कि अगर पीछे वाला नंबर जहां पे हमें काउंट करना है वो नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसमें से ये ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ा है, तो हमें क्या करना है, आगे वाले से बोरो करना है। जैसे आगे वाले फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि अगर ये आप देख सकते हो ये सब्ट्रैक्ट है, ये बड़ा नंबर है नीचे वाला तो ये नहीं होगा, तो सबसे पहली मेथड है कि आपको आगे वाले से बोरो करना है, 1 इसमें से घटा देना है, 3 है तो -1 3 -1 2 -1 4 -1 -1 करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देना है। 3 -1 3 -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो यहाँ पे आया 2। अभी जो हमने बोरो किया है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, हमने बोरो किया है तो 1 लिख के जो पीछे वाला नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है, हो गया 12 और इसको निकाल देना है, 12 -6 तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 एंड 12, 5 एंड 6 आंसर रहेगा हमारा 6 और 2 में से 1 2 -1 इज इक्वल टू 1। अगेन मैं ये मेथड आपको सिखा रही हूँ कि अगर पीछे वाला जो नंबर है उसमें नीचे वाले नंबर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से तो वो माइनस नहीं होगा, तो क्या करना है, बोरो। फर्स्ट स्टेप है आप आगे वाले नंबर को क्रॉस करके उसमें से 1 माइनस करना है, 1 माइनस, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 होगा 3, 3 है तो 3 माइनस 1 होगा 2, ऐसे। ओके, तो हम माइनस करके
उसमें से एक घटा देना है और ए वो जो लिया है हमने बोरो किया है उसको यहाँ पे लिख देना है और जो पीछे वाला नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने ये टू को यहाँ पे लिखा वैसे लिख देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमें इसको हटा देना है। फिर इसमें से माइनस इसको करके यहाँ पे आंसर और इसमें से इसको निकाल के यहाँ पे आंसर तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। जैसे 35 - 24 = 11, 24 - 12 = 12, 23 - 15 = 8, 32 - 16 = 16। वैसे ही हम वो बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो हम बोर्ड का भी हमारे लेसन में देखेंगे। जैसे हमने देखा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करता है, अभी हम इसमें देखेंगे हाउ मैनी मोर बिट्स। यहाँ पर हमने यहाँ पे ये खत्म कर दिया था, अभी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने हैं। सोनू और आरिफ के पास कितने बिट्स हैं? तो सोनू के पास 35 बिट्स हैं और आरिफ के पास है 24 बिट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन क्या है कि सोनू हैज दस मोर बिट्स देन आरिफ, आरिफ से ज्यादा सोनू के पास कितने बिट्स है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 35 - 22 से ज्यादा है, लेकिन कितने है वो हमें यहाँ आंसर में दिखना है। तो आपको क्या करना है, 5 - 4 करना है 1 और 3 - 2 1, तो यहाँ पे आंसर जो आए वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है आरिफ और रजिया के पास कितने बीट्स है? तो आरिफ के पास है 24 और रजिया के पास है 12। आरिफ हैज दस मोर बीट्स देन रजिया, रजिया से ज्यादा आरिफ के पास कितने बीट्स है वो हमें यहाँ आंसर में लिखना है। तो 4 - 2 = 2 एंड 2 - 1 = 1, तो आंसर हमारा यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन दीमा, दीमा से ज्यादा सिमर के पास कितने बीट्स है तो वो हमें देखना है। सिमर के यहाँ देख सकते हो 31 necklaces and 1 loose bead एंड दीमा के पास 1 necklace and 7 beads है। हाउ विल यू टेक अवे 7 beads फ्रॉम 1 bead, 7 में से 1 bead कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पे है सिमर हैज 31 beads एंड दीमा हैज 7 beads, आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हो ओपन 1 necklace ऑफ सिमर, सिमर का एक नेकलेस हमने ओपन कर दिया तो हमारे पास 10 यहाँ पे 1 + 10 हो गए। ओके सो सिमर विल हैव 2 necklaces and 11 beads, तो सिमर के पास अभी कितने पैर नेकलेस बचे? 2 necklaces and 11 beads, ये ओपन कर दिया हमने तो कितने हो गए 10 + 1 = 11। नाउ टू रिमेम्बर आई विल क्रॉस 3 एंड राइट 2 small 2 इन द नेकलेस बॉक्स। ओके तो यहाँ पे 3 रिमूव करके मैंने कहा ना 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 3 को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे 1 एड कर दिया। ऑल्सो राइट ए स्मॉल 1 इन द बीड बॉक्स टू रिमेम्बर दैट आर 11 beads, और यहाँ पे भी बीड बॉक्स में हमने 1 एड कर दिया कि याद रहे हमें यहाँ पे कि 11 bead है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट है नाउ इट इज इजी यू कैन टेक अवे 7 beads फ्रॉम 11। अभी ये आपके लिए इजी हो गया कि 11 में से 7 beads आप निकाल सकते हो इजीली, वैसे 1 bead में से 7 नहीं निकल सकते थे इसलिए हमने बोरो किया, 3 में से 1 माइनस किया 2 रह गया, 1 यहाँ पे ऐड किया, 1 के पीछे पीछे वाला नंबर लिख दिया, 11 हो गए 11 - 7, तो हम 11 क्रॉस करेंगे एक एक करके, यहाँ पे ये 7 निकल गए तो 7 निकल गए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना हमारे पास और 7 यहाँ से मैंने निकाल दिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके यहाँ से 7 निकाल दिए, बचे कितने हमारे पास? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। यस आई हैव रिटन 4 इन द बीड बॉक्स, तो मेरे पास आंसर आ गया, वो मैंने बीड बॉक्स में लिख दिया। दैट वॉज क्विक, नाउ टेक अवे 1 necklace फ्रॉम 2 necklaces, अभी ना हमारे पास 2 necklaces बचे थे तो 2 में से माइनस 1 necklace यानी 2 - 1 = 1, ये देखो necklaces ये यहाँ पे वो रिमूव कर रही है, 2 necklaces थे उसमें से 1 रिमूव कर दिया, मेरे पास 1 necklace था। आई हैव रिटर्न 1 इन द नेकलेस बॉक्स, मैंने क्या करना उसे 1 लिख दिया नेकलेस बॉक्स में। सीमा हैज 1 necklace and 4 beads मोर देन रीमा, सिमर के पास 1 necklace और 4 beads ज्यादा है। ओके सिमर हैज 14 beads मोर देन रीमा, रीमा से सिमर के पास 14 beads ज्यादा है।
होंगे। तो ये हमने जो आज हमने सब्ट्रैक्ट सीखा है कि बोरो कैसे करते हैं, उसकी वर्कशीट भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारी सब्ट्रैक्ट की वर्कशीट भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल थ्री सब्ट्रैक्ट है, 7 - 5 = 2 and 4 - 3 = 1। ये सब सिंपल है, सिंपल सब्ट्रैक्ट। ये बोरो वाले सब्ट्रैक्ट है, ये आपको खुद से करना है। जैसे यहाँ पे 1 - 7 नहीं हो सकता, तो मैंने आगे वाले से बोरो किया, इसको क्रॉस करके 4 - 1 = 3 एंड 1 यहाँ पे ऐड करा और ये 1 क्रॉस करके इसके पीछे लगा दिया, 11 आ गया, 11 - 7 = 4, 3 - 1 = 2। तो ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से सब्ट्रैक्ट सारे लिखने हैं, ये 12। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। Bubbly had 34 blackberries. Out of this, he ate 18 blackberries. Bubbly के पास कितनी blackberries थी? 34. और उसमें से उसने 18 खा ली। How many blackberries are left with her now? यहाँ पे आप देख सकते हो, how many blackberries are left? अभी उसके पास कितनी बच गई है, कितनी रह गई है, left with her now? तो ये जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि how many, उसके पास कितनी रह गई है, बची है अभी, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे लेफ्ट आए तो सब्ट्रैक्ट ही है, कितनी बच गई है या कितनी रह रही है, ऐसा कुछ भी आए तो सिंपल है कि इसका सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ 34 - 18, 34 ब्लैकबेरीज। यहाँ पे सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे भी नंबर है उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है आपको। तो 34 ब्लैकबेरीज जैसे कितनी खाली, आपको 18 ब्लैकबेरीज नीचे लिखेंगे, 18 में ब्लैकबेरीज। नाउ इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमें लिखना है यहाँ पे, नाउ 16 ब्लैकबेरीज लेफ्ट। सेकंड है डिंपल हैड 62 रुपीज, शी परचेस्ड अ डॉल ऑफ 39 रुपीज फ्रॉम दैट। हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विद हर नाउ? पहला क्या था स्टेप, क्या आपको देखना है ये सब्ट्रैक्ट है या एडिशन। हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विद हर नाउ? अभी उसके पास कितने रह गए, तो ये इजी सब्ट्रैक्ट है, ये याद रखना है। सेकेंड रूल था कि हमारा क्या, कि हमें नंबर के नीचे अंडरलाइन कर देनी है, तो हम 62 रुपीज एंड 39 रुपीज के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आगे जो है डिपल के पास कितने रुपीज थे, 62 रुपीज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप था 39 रुपीज की, उसने क्या कर ली, परचेज द डॉल, डॉल खरीद ली, तो नीचे लिखेंगे 39 रुपीज। ये है बोरो करने वाला सब्ट्रैक्ट, और इसमें से आपने 2 में से 9 नहीं माइनस होते हैं, तो आपने 6 में से बोरो किया 1, यानी 6 - 1 = यहाँ पे आ गया 5, और इसमें 1 बोरो किया, ये 2 यहाँ पे पीछे लगा दिया, तो हो गया 12 - 9 - 9 - 10 - 11 - 12। यहाँ पे आंसर है 3, 5 - 3 = 2, 23 रुपीज उसके पास अभी है। तो जो भी आज हमने ये वर्कशीट में भी सीखा है वो मैं आपको पीडीएफ के साथ ही भेजने वाली हूँ, तो आपको अच्छे से रीड करना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और काउंट खुद करना है, फिर नंबर आंसर चेक करने हैं। ओके बाय।